थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसे गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत, जो अपने पति की लंबे उम्र के लिए करवाओं को रखने वाली मेरी माताएं, आज भारत के सनातन धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को, संस्कारों को जीवित रखने वाली है ये भारत की माताएं। जो अपने पति की लंबे उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, जरा विचार करिए, किसी देश में कोई माता अपने पति के लिए व्रत नहीं रखती, केवल एक भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। एक देश में हमारे यहाँ के भारत के कोई श्री शिवाय नमस्तु भी, हम आप यह कथा को पूरी देखेगा, इसमें करवा चौथ देवी जो है वो पार्वती जी की सखा है, उनकी पूरी कथा है इसमें। सौभाग्य अमर कैसे रहे, करवा चौथ के कुछ नियम है, करवा चतुर्थी करने से अखंड सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है, यह पूरा इस कथा के जरिए गुरुजी ने बताया है। इस कथा में करवा चौथ माता का बहुत ही अति प्रिय भजन है, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारे गुरुजी द्वारा कही गई, महाराज घूमने के लिए संत गए, उन्होंने देखा कि एक पति मर गया था और पत्नी उनकी कब्र पे पंखा कर रही थी, तो संत को लगा कि ये नारी तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। हमारे यहाँ तो पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, पर ये तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया तो मरने के बाद पंखा कर रही इसकी कब्र पर। तो पूछा संत ने उस नारी से, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो हमारे भारत की भूमि से भी बड़ी नारी हो, हमारे यहाँ नारी पति के साथ सती हो जाती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। नारी बोली, महाराज हम पति को कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए हवा दे देकर सूखा कर। महाराज जी अपना सिर खुजाते खुजाते वापिस आ गए। भारत भारत, मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान ये कोई साधारण नहीं। जिस करवा चौथ के व्रत को आप कर रही हो, तीन बंधनों का मूल तत्व हमारे शास्त्र कहते हैं। पहला, तीन जगह पर नारी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ कर, धागे को खींच कर, तीन जगह पर रक्षा करी है। जरा ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछे कि ये करवा चौथ कहां से प्रकट हुई तो आप बताने में पीछे मत जाइए। पहला, द्रौपदी ने साड़ी का चीर फाड़ा था और मेरे द्वारिकाधीश के हाथ में बांधा था उनकी रक्षा के लिए। एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए भी अपने चीर को फाड़ कर बांध देती है। दूसरा, सावित्री ने बांधा था सत्यवान जब प्राण छोड़ दिए थे और उनको, मैं यमराज के पीछे जाऊंगी अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए, कहीं कोई पशु पक्षी मेरे पति को ना खा जाए, अपनी साड़ी का चीर निकाल कर उसकी आंख पर, शरीर पर बांध दिया था कि मेरा पति जब तक मैं आऊं तब तक सुरक्षित। पार्वती जी की सखी करवा, हरतालिका तीज का व्रत कौन कौन करता है, जरा हाथ उठाओ, करते हो? हरतालिका तीज की कथा में रखिए, हरतालिका तीज की कथा में आता है कि माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वन में चली गई। बोलो जी जी, सुने कि नहीं सुनी कथा? दो सखियां थी, दो सखियों के साथ माता पार्वती वन में गई थी। कौन थी वो सखी? आज भी हमारे यहां पर अखंड सौभाग्यवती नारियां
जब सुहाग का कोई काम करती है तो 13 चीजें कहीं संक्रांति पर बांट देती हैं, कहीं सुहाग का सामान बांट देती हैं। किसको बांटती हैं? अपनी सखियों को, अपने परिवार को, अपनी सास को, अपनी ननद को, अपनी देवरानी जेठानी, कुटुंब कबीला ब्राह्मण आदि जो सौभाग्यवती नारियां हैं। उसमें ये वर्णन नहीं करा गया कि आप किसी अन्य को, जो सौभाग्यवती हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उस सौभाग्यवती को सुहाग की सामग्री बांटती है माता। जब कोई सुहाग का कार्य करती है, कोई सौभाग्य का कार्य करती है, कोई सुहागिल करती है, यहाँ पर सुहागिल होती कि नहीं होती हमें मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ तो आज भी सुहागिल माताओं को जब भोजन कराती है तो ये नहीं देखती कि कौन जीना, यहाँ सौभाग्यवती होना चाहिए, जिसकी मांग करियो चूड़ा अमर हो अखंड। हरताली का तीज की कथा में दो सखियों का चरित्र आता है, उसमें एक थी करवा, जो जिसका पार्वती जी की सहेली के रूप में एक जन्म नहीं हुआ। ये करवा माता सती के समय पर भी थी और ये उमा के समय पर भी थी, बस इसका नाम बदलता चले गया। जैसे पार्वती जी का नाम बदलता चले गया, कभी सती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी स्कंदा, कभी कुष्मांडा, कभी महागौरी, कभी शारदा, ऐसा नाम बदलता चले गया। उसी तरह इसका नाम धीरे 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 धीरे, जो पार्वती जी की उस समय पर सहेली थी, पार्वती मैया का विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया तो पार्वती रोने लगी थी, अपनी सहेली से कहा, सखी मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ पक्का कर दिया है मेरे पिताजी। हिमालय राज ने मेरा विवाह मेरे पिता के साथ, मेरे पिता ने नारायण के साथ मेरा विवाह पक्का कर दिया, मैं क्या करूं? सखी कहती है, क्यों चिंता करती है, तू क्या चाहती है वो बोल, मैं केवल देवाधिदेव महादेव को चाहती हूं, उनसे स्नेह करती, उनसे विवाह करना चाहती। तो फिर अगर शिवजी को चाहती हो, शिवजी से प्रेम करती हो, तो फिर दूसरे के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है कि महादेव की ही आराधना करो। क्या करना पड़ेगा? चल मेरे साथ, बालू का शिवलिंग बनाएंगे। सुनिए ना हरताली का तीज की कथा, बालू का शिवलिंग बनाया, खूब पूजन कराई, पार्वती जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, खूब पूजन कराई, केवल अकेली पार्वती ने पूजन नहीं करी, ये दो सखी जो साथ में थी इनने भी शिव जी की पूजन करी है। शंकर भगवान केवल पार्वती को नहीं मिले, शंकर भगवान ने इन दोनों सखियों से भी कहा, क्या मांगना चाहती हो, मांगो, तुम आज मेरे पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना रहा हूँ, तुमको क्या दूं, बोलो क्या। मेरा एक निवेदन है भारत भूमि की सभी माताओं से, सहेली ऐसी बनाना जो तुम्हारे अखंड सौभाग्य को रखे। सहेली ऐसी मत बनाना कि तुम्हारे पास में बैठकर पर पुरुषों की बड़ाई करे और तुम्हारा ध्यान हटाकर पति के चरणों से कहीं दूसरी जगह ले जाए, ऐसी मत बनाना। बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा का, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने माँ गंगा की गोद में बैठकर काशी की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुन। शिवजी ने केवल माता पार्वती जी को ही वर नहीं दिया, शंकर भगवान ने दो सखियां बैठी थी सहेलियां, उन पर भी ध्यान दिया। दूल्हा जब आता है पत्नी के लिए अगर टॉफी लेकर आता है तो पत्नी की जो दो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, जो उसका लहंगा पकड़ के चलती है,
उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है ये उन दोनों को देते ना जो तेरी सहेली है। तो कहती है आपने याद रखा मेरी सहेली को, तो ये कहां से सीखा? ये देवाधिदेव महादेव से सीखा। शंकर भगवान ने दोनों सखियों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए। एक कहती है मैं शंकर भगवान आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आपके चरणों में रहना। शिव जी कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में होगा, मांग लो, आज तुम्हारे पर प्रसन्न हूं मैं, मांगो क्या चाहिए। एक कृपा करेंगे आप? बोलिए। वैसे तो जिस नारायण के साथ में सती का विवाह पक्का हुआ था उन नारायण के चरणों में मैं हमेशा रहना चाहती हूं। शिव जी ने कहा तेरे मन में दो भाव उत्पन्न हो गए, पहले तूने मेरे चरण मांगे उसके बाद नारायण के चरण मांगे, अर्थात तेरी वृत्ति में कहीं थोड़ा सा खेद उत्पन्न हो गया, इसलिए कुछ क्षण के लिए तेरे भीतर गलत भाव उत्पन्न हो गया था, तू मृत्यु लोक में जाएगी, मना नहीं है, पिता के घर में जन्म लेगी, मना नहीं है। जलंधर जैसे राजा से तेरा विवाह होगा, मना नहीं है। जैसे पार्वती का अखंड सौभाग्य है, तू भी अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए व्रत और साधना करेगी, मना नहीं। पर तेरा चित्त बाद में तूने नारायण को मांगा है, इसलिए नारायण तेरे सातित्व को तुड़वाएंगे और बाद में तू तुलसी का पौधा बनकर नारायण के चरणों में पड़ी रहे। एक मांग रही करवा चौथ के दिन की कथा है, जरा मेरी माए बहुत ध्यान से सुनना। आपने अपनी जिंदगी में कभी इस कथा को सुना ना सुना, पर ये विश्वनाथ की धरा से मां अन्नपूर्णा और गंगा जी के अखंड सौभाग्य से मां पार्वती और दुर्गा के अखंड सौभाग्य से ये विश्वनाथ की नगरी से ये कथा मिल रही है आपके अखंड सौभाग्य के लिए, आपके अखंड चूड़ा के लिए, मां के सिंदूर के लिए मिल रही है। इसीलिए लोग भजन में गा देते ना कभी कभी, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, आगे क्या है, मेरे सजना तेरी जिंदगानी, मेरे सजना लोगों को भजन गाए ना, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। एक बार हमने कहा था गाओ तो एक भाई ने गा दिया, जब तक गंगा मैया में पानी रहे तब तक मेरे दरवाजे पे गाड़ी रहे, इसलिए बड़ा ध्यान रखना। जिंदगानी है, फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है, भजन। अब तुम भजन का भले कुछ भी सोच लो तुम्हारे ऊपर है, परंतु उसका स्मरण थोड़ा ध्यान रखिए। अब दूसरे की बारी। शिव जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरे जितने जन्म हो हर जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करती रहूंगा, मृत्यु लोक में जब तक रहूं तब तक मेरी मांग में सिंदूर और मेरे हाथ में चूड़ा रहे, बस इतनी कृपा कर दीजिए। भर भर के चूड़ा रहे, और मैया कोई काम मेरे मस्तक पे
मेरे माथे पे चमचमाती चूनर और मैया कोई काम माँ। पार्वती जी की सहेली हाथ जोड़कर बैठी है और शिव जी पूछ रहे हैं तुम भी मांग लो तुमको क्या चाहिए क्या चाहिए। हे चोथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। हे चोथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। मेरे मांग काहे सिंदूर माँ अमर करो ना मेरा। मेरे मांग काहे सिंदूर माँ अमर करो ना मेरा। हे चोथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। हे चोथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। जिस चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली। जैसे चांद सब गाइए मेरे घर में रहे उजियाली। जैसे चांद में लाली मेरे घर में रहे उजियाली। जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली। हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। 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 चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली। जिस चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली। जिस चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली। जिस चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली। माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। तेरी जोत में जगाती दिन रात गीत में गाती। तेरी जोत दिन रात गीत में गाती। हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना। हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर बैठ कर भगवान शिव की भक्ति। कौन क्या चाहती हो मांग लो। उसने कहा जितने जन्म मिले जितने जन्म प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया एक बार करवा
का नाम उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संघ में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथा पर। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं, कोई अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना जरा। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है, मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। विचार करिए कितना भाव ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे हजार गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई, इसलिए हनुमान के मंदिर बने। हमारे यहाँ सेवा पूजा की करवा गई। करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है, और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर की उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था, और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब थका हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा। नहीं तो पहले नियम था, दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी, पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी, और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा
करवा भागी और शिव आराधना में लगी हुई करवा पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था, करवा ने अपना चीर फाड़ा, फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा और कितना सातित्वता में बल होगा जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास कांस लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास, कुछ कांस आपको मिल जाती है। उससे एक एक कांस से, मात्र एक घास एक कांस से उसने उस मगर को बांध दिया, मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत, करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा, प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा हम अपने नियम को नहीं बदल सकते, तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा, मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा, इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो नहीं सकता। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही, क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया, अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठा कर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है, करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है, मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया यमराज, जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में कर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा मैं तुझे वर देता हूं, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूं, आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद सुख देने वाला। एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है, ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए, ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है, ये दिखाती है। जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया, जीवित दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि पानी पीने के लिए ही गया था, जल पीने के लिए गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी, पति उठा,
उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेर को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला रहा है, करवा चौथ का पति पत्नी आचमन कराया। एक करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, तो आप बता सकते हो इस कथा को, आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो कि ये कथा का विस्तार आप अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया। फिर एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई, एक सेठ का प्रसंग उसके साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह करवा देवी की कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।